दोस्तों माय सिंपल गाइड चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जान गए होंगे कि अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो उस पैसे को वापस पाने के लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर सहारा इंडिया में फंसे लोगों का पैसा वापस करने के लिए आवेदन लिया जा रहा है। और शायद आप में से बहुत सारे लोग आवेदन भी कर चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि क्लेम को अप्लाई करने के बाद उन लोगों को कितना पैसा मिलेगा। क्या सहारा रिफंड के लिए केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो चुकी है? जिन लोगों की मैच्योरिटी कंप्लीट हो चुकी है उन लोगों को मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी या फिर उतनी अमाउंट मिलेगी जितनी उन्होंने जमा की है? इन सारे सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। साथ में सहारा इंडिया पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम को अप्लाई करने की एकदम लेटेस्ट प्रोसेस भी आप जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखेगा। और अगर आपने माय सिंपल गाइड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले आपको सहारा रिफंड पोर्टल को ओपन कर लेना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जहाँ से आप क्लिक करके पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। सहारा इंडिया पोर्टल को ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सबसे नीचे आप देखेंगे, यहाँ आपको क्लिक करना है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे अगले पेज पर आप देखेंगे आपको कुछ सवाल और जवाब दिखाई देंगे। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 आपको दिखाई देगा, जिसमें पूछा गया है कि CRCA सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र हैं। जिसमें जवाब में लिखा गया है कि निम्नलिखित 4 सहारा सोसाइटी के वास्तविक और वैध जमाकर्ता CRCA सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए पात्र हैं, यानी कि जिन लोगों ने हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इन चारों सोसाइटी में से किसी में भी अगर किसी ने पैसा लगाया था तो केवल वही लोग सहारा इंडिया पोर्टल पर अपने रिफंड क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सवाल नंबर 4 में आप देखेंगे, यहाँ पर सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि CRCA सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा दायर करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है। तो यहाँ पर उसका जवाब कुछ इस तरह से दिया गया है, दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित तिथियों से पहले पैसा जमा किया गया होना चाहिए और बकाया राशि प्राप्य होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर प्राप्य का मतलब है रिसीवेबल होनी चाहिए, यानी कि सहारा इंडिया द्वारा दे होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर प्राप्य का मतलब मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका मतलब मैच्योरिटी समझ रहे हैं। यहाँ पर प्राप्य का मतलब रिसीवेबल है, यानी कि आपने सहारा इंडिया में किसी भी स्कीम के अंतर्गत कोई भी पैसा जमा कराया है और वो पैसा सहारा इंडिया पर बकाया है और आपको दे है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको बताया गया है कि ऊपर दी गई चारों स्कीमों में अगर आपने कोई भी पैसा लगाया है, चाहे उसकी मैच्योरिटी हो गई है या फिर नहीं हुई है, आपको केवल वही पैसा वापस किया जाएगा जो आपने एक्चुअल सहारा इंडिया में डिपॉजिट किया है, बशर्ते ये पैसा आपने 22 मार्च 2022 से पहले जमा किया हो। आइए अब फटाफट जान लेते हैं कि आप सहारा इंडिया पोर्टल पर अपने सहारा रिफंड क्लेम के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको CRCA सहारा रिफंड पोर्टल को ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको आधार नंबर के अंतिम के 4 अंक भरने हैं। उसके बाद नीचे अपने आधार कार्ड के साथ जुड़ा मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर अपने आधार नंबर के अंतिम के 4 अंक भरने के बाद और नीचे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को भरने के बाद आपको नीचे OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको नीचे ब्लैंक बॉक्स में भरना है और उसके बाद नीचे OTP सत्यापित करे पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन पर आपको कुछ नियम और शर्तें दिखाई देगी और उसके बाद नीचे नियम और शर्तें के सामने ब्लैंक बॉक्स पर क्लिक करना है और नियम और शर्तों को स्वीकार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं सहमत हूँ बटन पर क्लिक कर देना है
क्लिक करते ही आप देखेंगे आपको अगला बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको अपने पूरे आधार नंबर को यहाँ पर भरना है और दोबारा से OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोबारा से आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर भर देना है और उसके सामने OTP सत्यापित करे पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नीचे आप देखेंगे कुछ डिटेल्स आपके आधार कार्ड से प्राप्त कर ली जाएंगी, जैसे कि आपका पूरा नाम, जन्म की तारीख, पिता पति का नाम, आधार के साथ जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसका नाम आपको दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी बैंक का नाम आपको दिखाई देगा आपके उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद नीचे ईमेल वैकल्पिक के सामने आप अपनी ईमेल आईडी को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर ईमेल आईडी को भर देना है, नीचे ईमेल सहेजे पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नीचे अगला बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे आपको आपके सारा FD या RD की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर सोसाइटी के नाम को चुनना है, उसके बाद सदस्यता संख्या यानी कि मेंबरशिप नंबर को यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद अपने खाता संख्या को यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद रसीद नंबर को यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद प्रमाण पत्र यानी कि अपने सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर एंटर करना है, नीचे खाता खोलने की तिथि यहाँ पर आपको चुन लेनी है। दोस्तों जब आपने सहारा स्कीम में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको उसकी रसीद भी दी गई होगी। ये सारी डिटेल जो इस फॉर्म में आप भर रहे हैं ये उस रसीद पर आपको लिखी मिलेंगी। उसके बाद आपने सहारा स्कीम में खाता खुलवाते समय कितने पैसे जमा किए थे नीचे आपको जमा योगदान राशि में भर देने हैं। उसके बाद कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है यानी कि अगर आपने इसमें से कोई पैसा निकाला है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे अगर आपने सोसाइटी से कोई लोन लिया है तो नीचे दूसरे ऑप्शन को आपको चुन लेना है। उसके बाद जमा प्रमाण पत्र अपलोड करें, यहाँ पर आपको अपने प्रमाण पत्र यानी कि सारा स्कीम के सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट की आप इमेज या फिर PDF फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, पर फाइल का साइज 200 KB से नीचे या फिर बराबर होना चाहिए। सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए आपको नीचे दावा जोड़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे आपकी क्लेम की डिटेल्स ऐड कर दी जाएंगी। क्लेम को यहाँ से आप एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगला बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको कुछ इस तरह से क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म का आपको यहाँ पर प्रिंट आउट ले लेना है और ऊपर अपनी फोटोग्राफ यहाँ पर चिपका देनी है। उसके बाद फोटोग्राफ के ऊपर क्रॉस साइन करने हैं, उसके बाद नीचे अपने बैंक का यहाँ पर नाम भरना है, उसके बाद सबसे नीचे जमाकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, उसके बाद नीचे अपना स्थान और नीचे मोबाइल नंबर को भरना है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको इस फॉर्म को स्कैन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट करे पर क्लिक करना है और नीचे अगला बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्म आपने प्रिंट आउट लिया है और भरा है उसकी स्कैन कॉपी को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर दावा आवेदन प्रपत्र के सामने चूज फाइल पर क्लिक करना है और फॉर्म की स्कैन कॉपी को यहाँ पर अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपके रिफंड की अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी भी अपलोड करनी होती है और नीचे अपलोड करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको एक मैसेज आएगा। उसके बाद आपको नीचे अगला बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। क्लेम सबमिट होने के बाद आपको उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया जाएगा। दोस्तों इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको SMS के द्वारा भी भेजा जाएगा और अगर आपकी ईमेल आईडी अपडेट है तो आपको ईमेल भी किया जाता है। दोस्तों सारा रिफंड क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद
लगभग 45 दिनों के अंदर इनिशियली भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपए आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे और ये पैसे आपके आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।